हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है एज यूजुअल संडे और मैं रेडी हो चुकी हूँ। आज बहुत अच्छा सा धूप आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर बहुत ही अच्छा धूप है। और आज मैं जाने वाली हूँ शायद बीच देखने या तो कहीं और। तो चलिए विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ गई हूँ मैं बस स्टैंड में, जहाँ से जाऊंगी रिपल्स बे। रिपल्स बे का मैंने वीडियो पहले भी बनाया था, आज फिर से जाऊंगी क्योंकि आज बहुत अच्छा धूप आया है। और ये रहा बस, और अभी बस जाने की देरी है। तो ड्राइवर जब ही आ जाएगा तभी हम लोग चल देंगे। तो देखते हैं फिर से रिपल्स बे। तो ऐसा है बस स्टैंड और इस बस में चढ़ के जाना है। अभी चढ़ गई हूँ बस में और जाने वाली हूँ रिपल्स में। तो ऑलमोस्ट फुल है, बहुत सारे लोग आए हैं। तो वेदर भी देखिए बहुत ही सनी है, जैसे कि देख सकते हैं मेरे ऊपर पूरा सन आ रहा है। तो बहुत अच्छा वेदर है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो वी आर गोना गो अहेड एंड एंजॉय दिस वीकेंड। ये एक दूसरा ही बीच है, रिपल्स बीच के पहले आता है, बहुत ही अच्छा है जैसे कि आप देख सकते हैं। और बहुत सारे लोग भी आए हैं इधर, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये वाला बीच। तो रिपल्स बीच के पहले है। ठंडा जलता गरम और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, और इतने दिनों के बाद धूप मिलके और भी अच्छा लग रहा है। विंटर के मॉर्निंग में धूप में अपने आप को सेकना इतना आरामदायक होता है, इतना अच्छा लगता है कि क्या बोलूं। और आप ऊपर से भी जा सकते हैं, नीचे भी ऐसे है, आप नीचे से भी जा सकते हैं। और लेक के बाजू में से पैदल चल रही हूँ, इतना अच्छा लग रहा है ऊपर से, इतना सनी मॉर्निंग। मतलब 3 वीक्स तक कोई सन नहीं था, पूरा बारिश बारिश होके रखा था। तो आज बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा रास्ता है, मैं इतना देर तो ऊपर चल रही थी, अभी नीचे से जा रही हूँ। और ये है व्यू, व्यू एंजॉय करते करते चल रहे हैं। आप लोग अगर बीच गए तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी सबसे ज़्यादा कौन सा वाला वाटर स्पोर्ट आपने किया है, मेंशन इट डाउन इन द कमेंट्स बॉक्स। और बताइएगा कौन सा वाटर स्पोर्ट करके आपको ज़्यादा मज़ा आया है। रहा रिपल्स बे और ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया व्यू है और बहुत ही अच्छा वेदर भी है उसके साथ। पहुंच गई हूँ रिपल्स बे और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा खचा खच भरा हुआ है, सब यहाँ पर पिकनिक कर रहे हैं, कोई सन बेद कर रहा है, कोई स्नॉर्कलिंग कर रहा है, कोई स्कूबा डाइविंग कर रहा है।
क्योंकि वेदर बहुत ही साथ दिया है आज और अच्छा लग रहा है। स्पेयर के नीचे बैठने वाले हैं तो मैं चद्दर लाई हूँ घर से, यहाँ पर एक मिनी पिकनिक भी हो जाएगा। चला मेरा फ्रेंड पानी में डुबकी मारने। सो भी गई थी, नींद भी आ गया था, तो नींद से उठने के बाद थोड़ा भूख भूख लगता है तो खाना खाऊंगी, लेकिन कहीं रेस्टोरेंट नहीं जाऊंगी, टेक अवे लूंगी, क्योंकि रेस्टोरेंट में जाके खाने से ये व्यू जो है ये एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। तो चलिए खाना आने के बाद दिखाती हूँ। वो दूर में आ रहा है खाना, आ गया है खाना बहुत सारा और बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी तो अभी खाना खाएंगे। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं सनसेट होने को आया है और ठंडा भी लग रहा है थोड़ा बहुत, इसीलिए वापस जा रही हूँ। तो अच्छा गुजरा दिन, कल थोड़ा खाना पका के लेके आऊँगी और उसके बाद यहाँ पिकनिक करूँगी। तो लेट्स गो। से बस पकड़ूंगी और डायरेक्ट बस है जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ के लिए, तो अभी घर की तरफ चलते हैं। बस में चल गई हूँ और अभी जा रही हूँ घर की तरफ और कुछ शॉपिंग करूँगी, हाँ ग्रोसरी लेना है घर के लिए। और अभी आई हूँ मैं थोड़ा चिकन लेने और चल रहे हैं, देखती हूँ कहाँ मिलेगा ये, कैसा मार्केट है और इधर अच्छा वाला फ्रेश एकदम चिकन मिलता है, तो देखते हैं।